हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है वीपीसी। देन आज हम देखेंगे कि वीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं एंड सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनेट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे राउट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं एंड नेट गेटवे। तो चलिए हम लोग अपनी लैब में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि वीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए वीपीसी पे चलते हैं। वीपीसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ कंसेप्ट इधर आपके क्लियर करना चाहूँगा। वीपीसी जो हमारा होता है वो एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, जिसके जो हमारे सिस्टम को आइसोलेट करता है, सिक्योर करता है, और उसके अंदर हम अपने सिस्टम EC2 को, AWS की सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं। तो VPC का फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे सिस्टम को पूरा सिक्योर रखता है, हमारे अकॉर्डिंग ही जो ट्रैफिक है, हमारे नेटवर्क, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो सर्वर है, उस पर क्या ट्रैफिक आ सकता है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, और हमारे सर्वर से क्या ट्रैफिक जा सकता है वो भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। एंड VPC के अंदर हम लोग सबनेट और लॉन्च करते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो भी IP हमें असाइन करनी है वो IP हम लोग असाइन कर सकते हैं। एंड सबनेट के बारे में आप लोगों को पता होगा कि सबनेट बेसिकली क्या होता है। सबनेट लॉजिकल सब डिविजन ऑफ लार्ज नेटवर्क होता है। तो चलिए पहले VPC क्रिएट करते हैं। हम आगे VPC की विंडो में, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को एक VPC मिलता है। जब भी हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक VPC आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक VPC ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड रहता है, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, और हम लोग चाहें तो इस VPC को डिलीट करके दोबारा से रिस्टोर भी कर सकते हैं। इधर ऑप्शन होता है, अगर आपका डिफ़ॉल्ट VPC डिलीट हो जाता है उस केस में आप एक्शन में जाके क्रिएट डिफ़ॉल्ट VPC पे क्लिक करोगे तो आपका डिफ़ॉल्ट VPC वापस आ जाएगा। तो चलिए हम न्यू VPC क्रिएट करते हैं। क्रिएट VPC, मैं अपने VPC का नाम दे देता हूँ माई VPC IPv4 CIDR। तो IPv4 CIDR का बेसिकली हम इधर अपनी IP लेते हैं, और इसका यूज़ जो होता है एक तरीके से जो हमारी वेस्टेज ऑफ IP होती है उसे रोकने के लिए होता है। एक क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है, इसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर IP लेते हैं और उसमें रेंज डिसाइड कर देते हैं कि हमें इतनी नंबर ऑफ IP ही पर्टिकुलरली मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि हमें IP की ज़रूरत है सिर्फ 10 की या 24 IP की ज़रूरत है और हमने काफ़ी ज़्यादा IP ले ली। तो इसका यूज़ यही है कि जो भी हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ IP चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इधर रेंज डिसाइड कर लेंगे। तो इस एग्जाम्पल में जो मैं अपनी IP ले रहा हूँ वो मैं लेता हूँ 10.0.0.0.26। तो दोस्तों आपको इधर दिख रहा होगा 26। इफ 26 से ही हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कि हमें कितनी नंबर ऑफ IP की रिक्वायरमेंट है। तो वो से कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, 2 की पावर 32 माइनस 26। तो 32 को अगर 26 से माइनस करते हैं तो 6 आएगा, एंड 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 IP। जी हाँ, इस IP से हमारी 64 IP हमें मिल सकती है। और दूसरी बात जो है इसमें जो शुरू क्या आप देख रहे हो, हर एक जो डिजिट है वो 8 बिट की होती है, और इस वजह से टोटल जो एड्रेस होता है 32 बिट का होता है, और इसी वजह से हमने 32 माइनस 26 करा जो कि हमारा बैठा 6, और 2 की पावर 6 होता है 64। तो इस IP से हमें 64 एड्रेसेस मिल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। टेनेंसी इधर ऑप्शन होता है डिफॉल्ट और डेडिकेटेड। डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड कस्टमर के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर हार्डवेयर चाहिए, बट इस दिस जो हमारा ये लैब है इस पे हम डिफॉल्ट ऑप्शन इधर लेते हैं और इसे हम क्रिएट VPC कर देते हैं। हमारा VPC क्रिएट हो गया है। आप इधर देख सकते हो 10.0.0.26
26 के नाम से द वीपीसी क्रिएट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते सबनेट पे। सबनेट का मैंने आपको बताया था कि सबनेट क्या होता है। बेसिकली सबनेट में हम लोग एक तरीके का लॉजिकल सब डिवीजन लेते हैं, क्योंकि एक वीपीसी बन गया, उस वीपीसी के अंदर 64 IP हैं, मगर हम उस फर्दर 64 IP को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके एक पर्टिकुलर सबनेट पे असाइन कर सकते हैं। कि सपोज 64 IP हैं और 64 IP में मुझे चार सबनेट बनाने हैं, तो हर सबनेट को 16 IP असाइन हो जाएंगी, 16 16 IP हर सबनेट को असाइन हो जाएगी। तो सबनेट एक लॉजिकल सब डिवीजन होता है ऑफ लार्ज नेटवर्क, एक बड़े नेटवर्क का एक छोटा सब डिवीजन होता है। और जब हम अपना सर्वर लॉन्च करते हैं तो वो हम अलग अलग सबनेट पे लॉन्च कर सकते हैं, कि एक सर्वर एक सबनेट पे लॉन्च हो गया, दूसरा सर्वर दूसरे सबनेट पे लॉन्च हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस और होता है, सबनेट आपका अवेबिलिटी जोन से एसोसिएट होता है, एक सबनेट आपका एक पर्टिकुलर अवेबिलिटी जोन पे ही चलता है, और वीपीसी आपका रीजन बेस्ड होती सर्विस होती है। तो चलिए सबनेट क्रिएट करते हैं। हम लोग इधर अपनी वीपीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। वीपीसी सेलेक्ट करने के बाद जो सबनेट का हमें नाम देना है, हमें चार सबनेट क्रिएट करने हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारी आईपीज में 64 IP इस CIDR से क्रिएट हो सकती हैं। तो मुझे 16 16 IP के 4 सबनेट क्रिएट करने हैं, उनमें से 2 सबनेट मेरे प्राइवेट होंगे, 2 सबनेट पब्लिक होंगे। प्राइवेट और पब्लिक सबनेट में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे देखेंगे, मैं अभी आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। पब्लिक सबनेट जो होता है, पब्लिक सबनेट में हमारे पास पब्लिक आईपी होती है, जिसके थ्रू कोई भी यूजर चाहे वो कनेक्ट कर सकता है पब्लिक आईपी का यूज करके। बट जो प्राइवेट सबनेट होता है, प्राइवेट सबनेट की कोई भी आईपी नहीं होती, वो इंटरनल यूज के लिए होता है, उसकी कनेक्टिविटी इंटरनेट से नहीं होती, उसका यूज इंटरनली करते हैं। जैसे कि डेटाबेस सर्वर है, बैक एंड है, आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका बैकएंड डेटा किसी और को एक्सप्लोर हो, कोई और देखे। तो इस वजह से हम लोग पब्लिक सबनेट जो होता है उसमें पब्लिक आईपी होती है, प्राइवेट सबनेट में पब्लिक आईपी नहीं होती। तो हम लोग इधर 4 सबनेट क्रिएट करेंगे। तो पहले क्रिएट करते हैं पब्लिक सबनेट। अवेलेबिलिटी जोन हम इन तीनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ए बी सी, तो मैं ए सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इधर हमें फर्दर अपना एड्रेस डिसाइड करना है कि हमें इस सबनेट को क्या एड्रेस देना है। तो ये हमारा, हमने जो आईपी ली थी वो अपने CIDR की ली थी 10.0.0.0.26। तो हम पहले जो क्रिएट करते हैं, पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसमें जो आईपी लेते हैं वो 10.0.0.0 और इधर ले लेते हैं 28। तो दोस्तों 28 लेने का मतलब ये है कि 32 माइनस 28 अगेन कितना हुआ, 4, और 2 की पावर 4 होता है 16। तो इस सबनेट से 16 IP बन सकती है, और ये आपका पब्लिक सबनेट है, राइट। तो अब इसमें हमारे सबनेट क्रिएट हो गया है, और इसे हम लोग क्रिएट सबनेट कर देते हैं। एक सबनेट क्रिएट हो गया, एक और सबनेट क्रिएट करते हैं। वीपीसी दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं पब्लिक सबनेट बी। अवेबिलिटी जोन पिछली बार हमने South 1A लिया था, अब South 1B ले लेते हैं, और इसमें जो ब्लॉक लेते हैं, अब आपने देखा कि हम लास्ट टाइम जो मैंने सबनेट यूज़ किया 10.0.0-20/28 लिया, तो इस टाइम जो मैं सबनेट यूज़ करूँगा 10.0.0.16 करूँगा, क्योंकि उस सबनेट में 16 IP है, राइट। तो अब मुझे 16 IP के बाद लेना है, और इधर मैं 28 यूज़ करूँगा। तो अब मेरी जो है इस सबनेट की भी 16 IP, इस सबनेट को भी मैंने असाइन कर दी, क्रिएट सबनेट। तो 2 सबनेट मेरे बन चुके हैं। ये जो आपको पब्लिक सबनेट ए, पब्लिक सबनेट बी,
देखो, और ये जो बाकी के जो आपको डिफॉल्ट सबनेट दिख रहे हैं, ये डिफॉल्ट सबनेट होते हैं। जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें एक वीपीसी डिफॉल्ट सबनेट डिफॉल्ट राउट टेबल पहले से मिलती है, राइट। बट इधर हम अपना कस्टम वीपीसी क्रिएट कर रहे हैं, तो इधर आप देख सकते हो दो पब्लिक सबनेट क्रिएट हो गए। अब हम लोग करते हैं प्राइवेट सबनेट क्रिएट, वीपीसी सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर जो है प्राइवेट सबनेट ले लेते हैं। प्राइवेट सबनेट ए ले लेते हैं, अवेबिलिटी जोन 1A ले लेते हैं। इधर हम जो अपना एड्रेस लेंगे वो ले लेते हैं 10.0.32, राइट। और इधर जो ले लेते हैं अगेन 28 ले लेते हैं, और एक हमारे प्राइवेट सबनेट क्रिएट हो गया, राइट। एक और प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर लेते हैं, टोटल हमारे 3 सबनेट क्रिएट हो गए हैं। एक और प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर लेते हैं वीपीसी 10.0.0, और इस बार आईपी ले लेते हैं 48। सो इसकी भी हमने, ओ इसका नाम देना था प्राइवेट सबनेट बी, अवेबिलिटी जोन बी ले लेते हैं और इसमें दे देते हैं 10.0.48/28। तो हम लोगों ने 4 सबनेट क्रिएट कर लिए हैं। आप देख सकते हो हर सबनेट के बाद 1616 आईपी है। 10.0 का जो एड्रेस है 10.00 से 10.0016 सेकेंड वाला, उसके बाद 16 से 32, 32 से 48, राइट। हर आईपी के बाद 1616 आईपी है। बट आप इधर देख रहे होंगे जो अवेलेबल आईपी एड्रेस हमें मिले हैं वो सिर्फ 11 मिले हैं। वो इसलिए 11 मिले हैं क्योंकि जब भी हम कोई भी सबनेट क्रिएट करते हैं उसमें से 5 आईपी रिजर्व रहते हैं। रिजर्व मतलब कि वो और किसी फर्दर यूज के लिए और फर्दर वर्क के लिए यूज होते हैं। जैसे कि एक इसमें आईपी होता है ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होता है कि अगर जो सबनेट है उन्हें आपस में कम्युनिकेशन करना है, कुछ एक सेंट्रल आईपी होती है जिसके थ्रू सारे मैसेज शेयर किए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से 5 आईपी होती हैं जो कि ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं, जिन्हें हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और टोटल हमें आईपी कितनी मिली है, 11 मिली है। तो हर सबनेट में 11 11 आईपी मिली है, आप देख सकते हो। तो अब हमारा सबनेट क्रिएट हो चुका है। अब सबनेट के बाद हम चलते हैं राउट टेबल पे। इधर हम राउट टेबल में आ चुके हैं। अब राउट टेबल में मैंने आपसे कहा था कि राउट टेबल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है। जब भी हम अपना वीपीसी क्रिएट करते हैं एक राउट टेबल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है, और जिसका जिसका आप देख रहे हो कि मेन फ्लैग यस है। हर वीपीसी की एक डिफॉल्ट राउट टेबल क्रिएट हो जाती है और उसका मेन जो फ्लैग होता है वो यस होता है। इट्स शो कि इससे सारे सबनेट कनेक्टेड हैं। अगर आप इसमें वो देखोगे सबनेट एसोसिएशन, तो आप देखो कि चारों के चारों सबनेट जो हैं दिए हुए हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे पब्लिक राउट टेबल बना देते हैं क्योंकि हमने 2 सबनेट लिए पब्लिक और प्राइवेट। तो अपना आइदर आप इस राउट टेबल को डिलीट कर रिलेम करके एक पब्लिक सबनेट बना देते हैं और पब्लिक राउट टेबल बना देते हैं, और इस राउट टेबल से हम लोग अपने पब्लिक सबनेट को एसोसिएट कर देंगे। तो इसे रिलेम कर देते हैं और इसे दे देते हैं पब्लिक आरटी। तो पब्लिक आरटी मीन्स ये पब्लिक राउट टेबल हमने इसका नाम दे दिया, और इस पब्लिक राउट टेबल से हम लोग अपना सबनेट को एसोसिएट कर लेते हैं। तो पब्लिक से हमें पब्लिक सबनेट को एसोसिएट करना है, तो ये मेरे पब्लिक सबनेट इन दोनों को मैंने एसोसिएट कर लिया, राइट।
चलिए, तो ये दो मेरे जो राउट टेबल है उसमें दो पब्लिक सबनेट एसोसिएट हो गए हैं। सही है। अब ये तो मेरी हो गई पब्लिक राउट टेबल। इस पब्लिक राउट टेबल में मेरे दो सबनेट एसोसिएट हो गए हैं पब्लिक वाले, राइट। ऐसी तरीके से हमारी एक दूसरी राउट टेबल बनेगी जिसका नाम हम देंगे प्राइवेट राउट टेबल। वीपीसी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे क्रिएट कर देते हैं। और इस प्राइवेट राउट टेबल से हम लोग प्राइवेट सबनेट को एसोसिएट कर देते हैं। तो एडिट सबनेट एसोसिएशन और प्राइवेट सबनेट को हम लोग इससे एसोसिएट कर देते हैं। तो अब हमारे पब्लिक राउट टेबल और प्राइवेट राउट टेबल दोनों रेडी हो गए हैं। अब अगला काम जो है हमारा इंटरनेट गेटवे का है। तो राउट टेबल में बेसिकली क्या करा है हम लोगों ने, दो राउट टेबल बना ली। एक राउट टेबल हमें डिफॉल्ट मिली थी, उसे रीनेम करके पब्लिक राउट टेबल कर दिया। और इस पब्लिक राउट टेबल में हमने जो है दो सबनेट को एसोसिएट कर दिया है। अब हर राउट टेबल में एंट्री एंट्री होती है कि आपका जो नेटवर्क का ट्रैफिक है वो किस तरीके से जाएगा। तो उसकी एंट्री डालने के लिए आपको इंटरनेट गेटवे में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जो पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट का मतलब क्या कि उसके पास पब्लिक आईपी होगी और वो आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, इंटरनेट से अपना ट्रैफिक सेंड कर सकता है। तो इसलिए हमें जो है इंटरनेट गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इंटरनेट गेटवे में चलते हैं। तो एक इंटरनेट गेटवे हम लोग इधर अपना क्रिएट करते हैं, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। तो इसका नाम दे देते हैं माई इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया। अब इस इंटरनेट गेटवे को हम लोग जो है यूज करेंगे अपने उसमें। तो इंटरनेट गेटवे में जाते हैं, पहले अटैच टू वीपीसी कर देते हैं सो डेट कि हमारे वीपीसी से अटैच हो जाए। तो अब इंटरनेट गेटवे हमारे वीपीसी से अटैच हो गया है, राइट। अब इस इंटरनेट गेटवे को हम लोग अपने राउट टेबल में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो राउट टेबल में जो है हमारा किस में एसोसिएट होगा, किसके साथ इसकी एंट्री आएगी, पब्लिक राउट टेबल में। तो पब्लिक राउट टेबल में हम गए राउट में। तो आप देख सकते हैं एक एंट्री है बाय डिफॉल्ट बनती है, जिसका मतलब है कि आपका जो वीपीसी की एक एंट्री बनी है। देखो ये वीपीसी का आईपी है जो हमने बिगिनिंग में लिया था सीआईडीआर ब्लॉक में, और इसका टारगेट है लोकल। इट मीन्स कि लोकली हमारे सबनेट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। अब हम इसमें एक और एंट्री डालते हैं, एड राउट। अब इधर क्या करना चाहते हैं हम कि हमारा जो इंटरनेट पे हमने जो इंटरनेट गेटवे बनाया था, आप इंटरनेट गेटवे का नाम इधर से कॉपी कर लेते हैं। ऐसे नहीं आएगा, इधर इसकी आईपी को कॉपी कर लेते हैं। आ गया। तो मैंने अपने इंटरनेट गेटवे को इसके साथ एसोसिएट कर दिया। तो आप देख सकते हैं एंट्री बन चुकी है। इट मीन्स कि आपका जो है इस पब्लिक जो सबनेट है, इस पब्लिक सबनेट में आपका जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट पे जा सकता है। तो इसलिए हमने इधर इंटरनेट गेटवे किया अटैच कर दिया है अपने पब्लिक सबनेट से। अब आप को फिर से हम लोग चलते हैं प्राइवेट सबनेट की बात करते हैं। तो जो प्राइवेट सबनेट है, प्राइवेट सबनेट को मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट सबनेट में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कि हमें कोई अपनी प्राइवेट बैकएंड डेटा या कुछ डेटाबेस सर्वर बनाना है, तो हम लोग प्राइवेट
सबनेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी इंटरनेट से नहीं होती, सिक्योर होता, कोई भी इससे कनेक्ट नहीं हो सकता, इसकी कोई पब्लिक आईपी नहीं हो सकती। मगर प्राइवेट सबनेट में भी कई बार क्या होता है, हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि डेटाबेस जो आपने इंस्टोर करा, आपने सपोज एक सर्वर बनाया, उसे प्राइवेट सबनेट पे डाला, तो प्राइवेट सबनेट में जो डेटाबेस डला हुआ है, कल को उसमें भी कुछ अपडेट आ सकते हैं, कुछ पैचेस आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ सकते हैं। तो प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट से कनेक्टिविटी देने के लिए हमारा जो यूज़ होता है वो नेट गेटवे हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए नेट गेटवे में चलते हैं। तो नेट गेटवे का बेसिकली क्या यूज़ होता है, नेट गेटवे आपका जो प्राइवेट सबनेट है उसे कनेक्टिविटी यूज देता है, और नेट गेटवे जो क्रिएट होता है वो पब्लिक सबनेट पे क्रिएट होता है। पब्लिक सबनेट पे क्रिएट होके पब्लिक सबनेट की एक आईपी को यूज़ कर लेता है। तो क्या होता है, जब प्राइवेट सबनेट को रिक्वेस्ट भेजनी होती है, वो डायरेक्ट इंटरनेट पे नहीं जाता, वो नेट गेटवे को रिक्वेस्ट भेजेगा, नेट गेटवे पब्लिक सबनेट को रिक्वेस्ट भेजेगा, और देन वहाँ से पब्लिक सबनेट जो है इंटरनेट से फैच करके डेटा जो भी है उसे रिटर्न कर देगा। तो चलिए नेट गेटवे क्रिएट करते हैं। तो आप इधर देखिए, आपको इधर जो सबनेट सेलेक्ट करना है वो पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करना है। तो मैं इधर पब्लिक सबनेट ए सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ए है इलास्टिक आईपी, तो ये एलोकेट ऑटोमेटिकली कर देता है, इलास्टिक आईपी असाइन कर देता है। इलास्टिक आईपी इसने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया। इलास्टिक आईपी के बारे में अगर जानना है, इलास्टिक आईपी आपकी स्टैटिक आईपी होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती जिसकी वैल्यू, और इलास्टिक आईपी जो होता है बेसिकली इसको हम लोग जो यूज़ करते हैं, मान लो आपका इंस्टेंस कोई भी फेल हो जाए और आपको उस आईपी एड्रेस को दोबारा यूज़ करना है और किसी दूसरे इंस्टेंस के साथ अटैच करना है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप जितनी बार भी अपना सिस्टम ओपन करते हो तो पब्लिक आईपी चेंज होती रहती है, राइट? पब्लिक आईपी हर बार चेंज होगी जितनी बार आप सर्वर लॉगिन करोगे। तो इलास्टिक आईपी इसलिए यूज होती है कि ये हमेशा स्टैटिक रहती है, चेंज नहीं होती। तो इधर एक असाइन हो जाती है इलास्टिक आईपी एड्रेस टू द नेट गेटवे, तो वो हमने कर लिया, और हमने इधर पब्लिक सबनेट का यूज करा, क्योंकि नेट गेटवे जो होता है वो पब्लिक सबनेट पे ही ओपन होता है। तो हमने इधर क्रिएट कर लिया नेट गेटवे। तो चलिए नेट गेटवे क्रिएट हो गया है, और अब नेट गेटवे जब क्रिएट हो गया तो अब हमें क्या करना है, इसे प्राइवेट सबनेट से इसे अटैच करना है। तो चलिए प्राइवेट सबनेट पे चलते हैं, राउट टेबल में चलते हैं, और इधर प्राइवेट राउट टेबल में आ गए। प्राइवेट राउट टेबल में हमारे जो सबनेट है वो प्राइवेट सबनेट है। अब इसमें जो राउट की एंट्री डलेगी, हम इधर एडिट राउट करते हैं, एड राउट 0.0, और इधर जो हमारा यूज़ होगा वो यूज़ होगा नेट गेटवे। तो आइए नेट गेटवे का नाम इधर से आईडी ले लेते हैं, उसे सर्च करते हैं। तो ये हमारा नेट गेटवे है, इसकी मैंने आईडी इधर से कॉपी करी और इधर सर्च करा, इधर ही मिल गया, इसे सेव चेंजेस कर दिया। तो ये आपका नेट गेटवे भी क्रिएट हो चुका है। तो अभी तक हमने देखा कि हमने किस तरीके से अपना वीपीसी क्रिएट किया, वीपीसी के अंदर 4 सबनेट क्रिएट किए, 4 सबनेट के अंदर 2 राउट टेबल क्रिएट करी, उन राउट टेबल को जो हमने अटैच करा पब्लिक सबनेट की जो राउट टेबल थी उसे अटैच करा इंटरनेट गेटवे से, प्राइवेट सबनेट की जो राउट टेबल थी उसे हमने नेट गेटवे से एसोसिएट कर दिया। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा काम बचता है सबनेट, हाँ, तो पब्लिक सबनेट में हमें एक चीज़ और करनी होती है कि पब्लिक सबनेट में सेटिंग में जाते हैं, पब्लिक सबनेट की सेटिंग में जाते हैं, और इधर हम इनेबल कर देते हैं ऑटो असाइन IPv4 एड्रेस को। इट मीन्स कि जब आप इसमें अपना सर्वर EC2 को लॉन्च करोगे तो वो अपने आप इसे एक आईपी असाइन कर देगा, ऑटो असाइन कर देगा पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी हमारे पब्लिक सबनेट को रिक्वायर होती है, क्योंकि पब्लिक सबनेट हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और पब्लिक सबनेट के थ्रू हम अपना डेटा, अपने ट्रैफिक को इंटरनेट पर फ्लो करवा सकते हैं, राइट? तो इसे सेव कर देते हैं,
एक और पब्लिक सबनेट है, इस पे भी जाते हैं, एक्सटर्न में गए और इधर गए एडिट सबनेट, और इधर हमने इनेबल कर दिया ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस। तो इसमें हमारा ऑटो साइन हो चुका है। और इधर आप देखोगे कि जो आईपी एड्रेस है वो मेरा पब्लिक सबनेट का 10 हो गया है। आप देख रहे हो इधर जो पब्लिक सबनेट ए है, इसके आईपी एड्रेस सिर्फ 10 दिखा रहा है, बाकी सब में 11 11 दिखा रहा है, बट इसका 10 दिखा रहा है। वो इसलिए 10 दिखा रहा है, जब मैंने नेट गेटवे यूज़ किया था तो मैंने अपने इस पब्लिक सबनेट ए को यूज़ किया था नेट गेटवे में। जब मैंने नेट गेटवे में अपने पब्लिक सबनेट ए को यूज़ करा तो उसकी पर्टिकुलर एक आईपी जो है वो नेट गेटवे में यूज़ हो रही है, जिसमें प्राइवेट सबनेट अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा नेट गेटवे को, नेट गेटवे उस पब्लिक आईपी को यूज़ करेगा और इंटरनेट से कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब लास्ट जो चीज़ बचती है वो हमारा बचता है सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है हमारा डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, हमारी एक ऑटोमेटिकली जब वीपीसी डिफॉल्ट वीपीसी बनता है तो उसका डिफॉल्ट वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप एक क्रिएट हो जाता है। अब इधर हम लोग अपना एक सिक्योरिटी, दो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, एक हम लोग क्रिएट करेंगे प्राइवेट सबनेट के लिए और एक क्रिएट करेंगे पब्लिक सबनेट के लिए। तो चलिए हम लोग अपने सिक्योरिटी ग्रुप में चलते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप पे क्रिएट किया और इधर हम नाम दे देते हैं माई वेब सर्वर। तो जो वेब सर्वर होता है वो हमारा पब्लिक सबनेट में चलता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट अगर कोई भी एक्सेस करेगा तो पब्लिक से ट्रैफिक तो आएगा हमारे सर्वर में। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना पब्लिक सबनेट पे अपना जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो पब्लिक सबनेट्स के साथ अटैच करना पड़ेगा, सो डैट कि जो सिक्योरिटी ग्रुप में हम जो रूल असाइन करते हैं, जो फायरवॉल रूल असाइन करते हैं कि कौन सा ट्रैफिक आ सकता है कौन सा ट्रैफिक जा सकता है, तो उसमें हमें ट्रैफिक को अलाउ करना पड़ेगा, राइट। तो इधर हमने वेब सर्वर के नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया है, राइट। अब इसमें वीपीसी हम लोग ले लेते हैं, अपना वीपीसी ले लिया माई वीपीसी। इधर इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल दो चीजें होती हैं। इनबाउंड रूल जो होता है, इनबाउंड रूल का मतलब सिंपल ये होता है कि जो भी ट्रैफिक हमारे सर्वर पे आएगा उसे हमें अलाउ करना होता है कि वो किस सोर्स से आ सकता है। तो इसमें सिर्फ हम उन सर्वर को अलाउ करते हैं कि कहाँ से ट्रैफिक हमारे पास आ सकता है, उन पोर्ट्स को अलाउ कर देते हैं, राइट। आउटबाउंड रूल होता है जो भी हमारे सर्वर से ट्रैफिक जाएगा, हमारे सर्वर से किस डेस्टिनेशन में ट्रैफिक जा सकता है उसे अलाउ करते हैं। तो हम लोग अपना इनबाउंड रूल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इनबाउंड रूल में मैं HTTP लेता हूँ या SSH ले लेता हूँ, और SSH के साथ इधर ले लेते हैं एनीवेयर 0.0। तो एक रूल हमने कनेक्ट कर लिया। दूसरा लेते हैं HTTP, इसे भी एनीवेयर कर देते हैं, और इसके बाद एक ले लेते हैं ICMP4। तो SSH जो होता है वो बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए होता है। इसका इनबाउंड में SSH मैंने कर दिया, इट मींस कि जो मेरा सर्वर है, अगर मैं उस सर्वर की आईपी किसी को दे दूं तो कोई भी मेरे सर्वर से इजीली कनेक्ट हो सकता है। ये इनबाउंड रूल है कि मेरे सर, मैंने परमिशन दे दिया है कि भैया मेरी आईपी से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो इधर मैंने 0.0 मतलब एनीवेयर, सोर्स कोई भी हो, कोई भी सोर्स आके मेरे आईपी से कनेक्ट हो सकता है, राइट। HTTP का मीन्स जो हमारी वेब रिक्वेस्ट हो सकती है वो मेरे सर्वर पे आ सकती है फ्रॉम एनीवेयर। ऑल ICMP IPv4 मीन्स इंटरनेट मेरे सर्वर में, मैं अगर पिंग करूंगा मैं अपनी सर्वर से कहीं पे भी, तो आप मेरा सर्वर कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है किसी भी इंटरनेट से, उसको इजिली वो कनेक्ट हो सकता है किसी भी इंटरनेट से, उसके पास रिक्वेस्ट आ सकती है कहीं से भी, किसी भी नेटवर्क में हम अपने सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप अपने सिस्टम से भी इस पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज कर सकते हो। तो आउटबाउंड रूल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है जब हम इनबाउंड रूल क्रिएट करते हैं। आउटबाउंड रूल में आपने देख रहे हो कि इसमें सारा ट्रैफिक को अलाउ कर रखा है कि आपके सर्वर से ट्रैफिक कहीं पे भी जा सकता है।
तो इस तरीके से आपका ये बनता है और इसे मैंने क्रिएट कर देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। यूज फॉर वेब सर्वर, तो एक सिक्योरिटी ग्रुप आपका बन गया है। तो वेब सर्वर के नाम से आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया, जिसके इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल आप इधर देख सकते हो। ऐसी हम लोग एक सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं डेटाबेस सर्वर के लिए, राइट। डेटाबेस सर्वर जो होगा वो आपका प्राइवेट सबनेट से कनेक्ट होगा, प्राइवेट सर्वर पे चलेगा, जो आपका प्राइवेट EC2 इंस्टेंस जब आप लॉन्च करोगे उसमें आप इस सिक्योरिटी ग्रुप को लोगे, कि क्योंकि ये जो है आपका प्राइवेट है, राइट। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ डेटाबेस सर्वर अलाउ प्राइवेट, प्राइवेट सर्वर, और इधर VPC हम ले लेते हैं माई VPC। इसमें जो रूल बनेंगे, जो पहला रूल बनेगा इसमें, क्योंकि हमारे पास IP तो होती नहीं है, पब्लिक IP, तो SSH तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम SSH दे भी देंगे इट मीन्स कि कोई भी कनेक्ट हो सकता है, बट कनेक्ट होगा कैसे जब इसके पास कोई प्राइवेट IP होती ही नहीं है। तो अब इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, अब इसमें देखिए, इसमें हमारा जो पब्लिक प्राइवेट सबनेट होता है, प्राइवेट सबनेट में जो ट्रैफिक आएगा, सपोज हमने अपना पब्लिक सबनेट लॉन्च करा, राइट। और पब्लिक सबनेट से आप चाहते हो कि अपने प्राइवेट सबनेट को कनेक्ट करना, आपका जो प्राइवेट सबनेट है उसमें जो ट्रैफिक आए वो आपका सिंपल किससे आए, पब्लिक सबनेट से आए, कोई और सबनेट उसे ट्रैफिक नहीं भेज सकता। तो इधर हम लोग एक ले लेते हैं, सपोज आपने इसमें माई सिक्वल लिया, और इधर हम दे देते हैं माई कस्टम दे देते हैं, और कस्टम में आप इधर अपना जो सबनेट है सबनेट की IP दे सकते हो, प्राइ पब्लिक सबनेट की IP। तो आपके जो सबनेट थे, आपके 4 सबनेट थे, एक बार देख लेते हैं, आपके 4 सबनेट थे पब्लिक और 2 प्राइवेट। तो मैं एक पब्लिक सबनेट की इससे IP दे देता हूँ, राइट। एंड 28, तो मैंने पब्लिक सबनेट की IP दे दी, कि इस जो सर्वर है, जो मेरा ये प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बनाया है प्राइवेट सर्वर के लिए, इसमें जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो हमारी पब्लिक सबनेट से ही आएगी, और अन्यथा अदरवाइज कोई भी हमारे को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। तो एक मैंने ये बना लिया, और दूसरा मैं बना देता हूँ ICMP इसमें भी जो मैं IP ले लेता हूँ वो मैं सेम IP अपने सबनेट की ही लेता हूँ, कि सिर्फ उसी से मेरा ये सबनेट कनेक्ट हो पाए, उसी उसी से मेरा इसमें इंटरनेट का फ्लो चले। तो मैं इसमें 2 रूल बना देता हूँ, तो ये मैंने अपना इनबाउंड रूल क्रिएट कर लिया है प्राइवेट सबनेट के लिए। तो आप देख सकते हैं इधर 2 सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं, एक मेरा वेब सर्वर, एक डेटाबेस सर्वर के लिए क्रिएट हो चुका है। आगे इस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट करना, पब्लिक और प्राइवेट सर्वर के लिए पब्लिक और प्राइवेट सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, राउट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सबनेट में हम अपने EC2 इंस्टेंस को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, हम प्राइवेट और पब्लिक सर्वर कैसे बना सकते हैं, इन सिक्योरिटी ग्रुप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।